तो किसी के खेत में आके तुम लोग ये लेके तो एमएलए के मरी है क्या कर रहे तुमको जक मार रखे तुम वोट दिए नॉर्थ के लोग। लेकिन एक फार्मर से फार्मर्स के खेत में घुसकर फार्मर्स के फार्मर्स से तुम जो गाय लेकर जाते हो तो ये इतना कंडीशन होने के बाद भी तुम आके गुंडागिरी करके मुसलमान मुसल खाली मुस्लिम है बोल के तुम लोग हैरेसमेंट करने का कोशिश कर रहे हैं ना। और यहाँ के जो नॉर्थ के एमएलए है कांग्रेस के एमएलए उनको शर्म आना चाहिए। जो ऑफिसर वो आके लेकर के उनका ऊपर रेफर होना वो एसीपी हो या वहाँ के सर्कल हो कोई भी उनको ऊपर लीगल एक्शन होना। तो पूरा दूर दूर ऑल ओवर कर्नाटक पूरा एंटर गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट जाओ कोई कोई हिंदू भी नहीं पालना नहीं तो जाओ तुम्हारे पुलिस को इतना हिम्मत है तो हिंदू के घर खेत से गाय भैंस लेकर उठा कर लेकर जाओ। मैं हनुमंत हेलसिंगे दलित सेना स्टेट प्रेसिडेंट। अब गुलबर्गा में ये जो जो पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से जो खेत खेत जाके जो फार्मर्स के खेत में गाय हो या बैल हो भैंस हो सब पकड़ कर लेकर जा रहे हैं ये क्या हो रहा है बोल के हमें तो देखने के लिए मैं यहाँ ये मालगत्ती जो लिमिट्स में आता एक हमारे जावेद पटेल बोल के उनकी खेत को हमने आया है इधर। और यहाँ ये जो ये फार्म हाउस है ये बगल में उनका खेत है इरिगेटेड लैंड है इधर और गन्ने है और बहुत सारे तरकारी भी है वेजिटेबल्स वो ये कर रहे हैं। यहाँ इस जो फार्म हाउस में ये बैल है ये काम करने के लिए और भैंस भी है और बहुत सारे बकरी है। ये इतना होने के बावजूद भी यहाँ गुलबर्गा के ये जो अपना यूनिवर्सिटी का जो पुलिस कल यहाँ आके कुछ 26 गाय जब्त करके लेकर गए हैं। इसको इतना भी मालूम नहीं है यहाँ गुलबर्ग पुलिस को जो कैसा जानवर को पकड़ना बोल के जो ला है जो किसी खसाई को नहीं भेजना और ट्रांसपोर्ट नहीं करना है और खसाई खाने को नहीं भेजना है और जो सेल करते हैं तो वो इरिगेटेड वो एग्रीकल्चर पर्पज के लिए आप सेल कर सकते बोल के। फिर भी ये पुलिस लोग ये जो खेत का है खेत में फार्म हाउस है फार्म हाउस में उनका ये अपना उसके एक गाय के साथ साथ बहुत सारे भैंस है बहुत सारे अपना बकरीज है ये इतना होने के बाद ये इलीगल कैसा होता किसी घर में जाके किसी खेत में जाके ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं क्या लोग ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं इधर ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहे हैं और किसी के पास लेकर आ रहे हैं किसी के पास लेकर नहीं आ रहे और ये किसी कसाई को सेल कर रहे हैं कसाई की सेल भी नहीं कर रहे तो कैसा है तुम पुलिस कैसे आकर सीज करके लेकर जाते हैं ये टोटली इलीगल है। जो ये हमारी कर्नाटक की सरकार यहाँ की मुसलमानों को पर्पोजली हेरेसमेंट करने का काम कर रहे हैं तुम लोग। और यहाँ के जो नॉर्थ के एमएलए हैं ये कांग्रेस के एमएलए उनको शर्म आना चाहिए। ये एमएलए क्या काम कर रहे हैं इधर उसको मालूम नहीं होता ये किसी खेत में कल एक 96 जानवर किसी खेत में लेकर गया वो हम नहीं पूछे ये तो खुद खाए ये दिख रहे इधर ये काम करने लोग दिख रहे इधर तो किसी के खेत में आके तुम लोग ये लेकर तो एमएलए क्या मरी है क्या कर रहे तुमको जक मार रखे तुम वोट दिए नॉर्थ के लोग। ये लोग तरस रहे ये लोग तकलीफ में है अभी ये देखने के लिए हम आए इधर। ये तो टोटली यहाँ के पुलिस का जो मुस्लिम एंटी मुस्लिम जो होकर काम कर रहे हैं यहाँ गुलबर्ग का पुलिस ये नया एक जो एसीपी एक लेडी मैडम आई है और लक्ष्मण सवदी का कुछ रिलेशन या संबंधी कुछ है बीजेपी के लिंक में दिखते है। हम वो मैडम अभी उनके ऑफिस से बात किया तो मैडम लू पे है अभी मंगलवार के दिन आ रही है। हम अब ये पुलिस को हम बोल रहे हैं भाई तुम जो भी इलीगली ट्रांसपोर्ट करके किसी को नहीं छोड़ना आप यहाँ गुलबर्गा आसपास हो कर्नाटक किसी को कोई एक चोरी से काटता किसी कैसे काटता या प्रोटेक्ट कानून के हिसाब से प्रोटेक्ट और उसको अरेस्ट कर जेल डाल को हम नहीं बोलते हम। लेकिन ये फार्मर्स है फार्मर्स के खेत में घुसकर फार्मर्स के फार्मर्स से तुम जो गाय लेकर जाते तो मुस्लिम को दूध के लिए गाय नहीं चारना गाय नहीं पालना
भैंस नहीं पालना क्या? क्या खाली हिंदू लोग तुम ले करते? कौन बेचा उसको? ये जो 26 जानवर लाए क्या है इधर? ये है, ये बसो कल्याण से परचेज करके लाए हो। किसी के जो चोरी करके नहीं लाए हो। बसो कल्याण से, बसो कल्याण एपीएमसी से, एक गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक है ना, एपीएमसी किसका है? इतना अकल नहीं पोलिस को कर गुरबा रख के? इसको मालूम नहीं होना चाहिए किसके पास लाए, कहाँ कहीं किस वजह से लाया, कितने दिन हो गया ला के, ये तो मालूम होना चाहिए इनको पोलिस को। ये गुलबर्ग गया बसो कल्याण एपीएमसी यार्ड से परचेज करके लेकर आता, इसमें पूरा क्लियर लिखा है, इसमें पूरा क्लियर लिखा है जानवर वहीवाट व्यवहार कायदे 72 कलम कृषि उत्पन्न मार्केट समित पर्वानी पड़ेतको ये पर्मिशन लिया तपिदली सदरी कायदे 117 प्रकरण अड़ी शिक्षक ए पी एम सी परचेज क्या और बोलते जानवर कृषि चटवटिके पशुसंगोपन उद्देश्य मात्र खर्च खेत के लिए आप खेत काम करने के लिए आप और दूध के लिए आप परचेज खरीद सको कारण जानवर वहीवाट नडसो जानवर कृषि चटवटिके पशुसंगोपन मात्र माराटो कसाई खानी माराटली अंतर परवान रद्दपड़ो ये कसाई खान के किसी को सेल किया कसाई खाने किसी कसाई के इस लोग ने सेल भेजा क्या 20 रस्ते में पकड़े इनको ये कसाई के लिए एक भेजने के लिए काटने के लिए किसी को सेल कर रहे बोल के 20 रस्ते हमने पकड़ा बोल के बोल रहे हैं लोग क्या ये पूरा है अपने जानवर सागस वाहन प्रादेशिक सारिगे अधिकारी वृंद आर टू विशेष परवान पड़ो यहाँ कोई लय नहीं वहीकल नहीं कुछ भी नहीं है हमारे खेत में उनके एक फार्मर के खेत में हो ये एग्रीकल्चर स्टेट जो खेत के ओनर जावेद बोल के उनके ये इतना कंडीशन होने के बाद भी तुम आके गुंडागिरी करके मुसलमान मुस्लिम खाली मुस्लिम है बोल के तुम लोग हैरेसमेंट करने का कोशिश कर रहे हैं ना, यही है ना तुम्हारा जो उद्देश्य तुम्हारा पर्पोज मुसलमानों को तकलीफ देने के लिए ये कर रहे हैं तुम लोग। हाँ भाई तुम अभी इतना ही इंटरेस्ट शोक है जो सेल कर रहा है जो सेल किया उसका नाम बाबूराव बोल के अरेस्ट करके लेकर आओ, हिंदू है वो, अरेस्ट जो सेल किया उनको भी लेकर पकड़ के लेकर किस वजह से उसको ये जावेद को सेल किया बोल के ये किस वजह से परचेज किया ये तो इनको इंक्वायरी करना था तुम लोग लेकर आके ये मुसलमानों को फाइनेंशियली हेरेसमेंट करना लीगली हेरेसमेंट करना क्रिमिनल मेंटली आप टॉर्चर करना बोल के जो पुलिस के जो ये है ये हम करने नहीं देते हम। मैंने बहुत सुना था बहुत तुम पकड़ रहे थे और हमने सोचा कि वो इंटरनल झगड़ा की वजह से कोली एक पुलिस पकड़ कर लेकर जाकर लेकिन ये तो खेत है मैं आपको दिखाता हूँ आप आइए ये सब खेत है ये गाय है ये जानवर है ये जानवर किस 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 पर्पज है खेत के लिए रखते हैं ना ये इतने सारे ये इसमें नया नया सब ये किस लिए है ये काटने के लिए कर रखा है इधर हम यहाँ की गुलबर्गा की जो पुलिस को हम अभी अगर डीसीपी मिलते तो हम डीसीपी या कमिश्नर साहब जाके मिलता हूँ मैं अभी और एसीपी गुलबर्ग ये सर्विस जो रेंज आते हो एसीपी आन लूप पे रहे मुझे लगता है कपड़ गया बोल को सुना मैंने और हम ये अगर तुरंत ही बिना कंडीशन ये जो के एन के ऊपर जो केस हो गया या कुछ भी होगा वो केस विड्रा करना इनका जितना भी जो गाइज इलीगली जो आप लेकर गए जो ऑफिसर वो आकर लेकर गए उनका ऊपर रेफर होना वो एसीपी हो या वहाँ सर्कल हो कोई भी हो उनके ऊपर लीगल एक्शन होना ये इलीगल है ट्रेसपास किसी का जगह पर आके तो तुम्हें ड्रेस दिया तो किसी के ऊपर गुंडागर्दी करने के लिए ये मुसलमानों को डराने के नहीं है ये अगर नहीं होता तो दो दिन वेट करते हम मैडम एसीपी दो दिन में आ रही है तो मंगलवार नहीं तो बुधवार हम डीसी ऑफिस को घेराव डाल रहे दलित सेना डीसी ऑफिस घेराव डाल के जो ये जो इल जो पुलिस का जो हेरासमेंट जो लोगों को हो रहा है जो गरीब मुसलमानों को हो रहा है मुसलमान फार्मर्स के ऊपर जो हो रहा है वो उसके न्याय के लिए हम डीसीपी एंड कमिश्नर के पास हम जा रहे हैं उनसे मुलाकात करवा रहे हैं और आज अभी दोनों मिलते थे हम अब जाकर मिल रहे हैं लेकिन बुधवार के दिन बृहद प्रतिभटना जो प्रोसेशन के साथ हम डीसी ऑफिस घेराव डाल रहे हैं से 26 जानवर कल साढ़े चार बजे कोई दो तीन पुलिस आता देखकर जाते फिर उनके बाद डीसी एसीपी आती और उनके टीम आकर 9:30 बजे यहाँ से लेकर खेत से लेकर जाता ये जो पालने के लिए लेकर आए थे गाय वो गाय
जो लेकर जाते हैं, तो बहुत बहुत पूरा दूर दूर ऑल ओवर कर्नाटक पूरा है, एंटर गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट जाओ, कोई हिंदू भी नहीं पालना नहीं, जो जाओ तुम्हारे पुलिस को इतना हिम्मत है तो हिंदू के घर खेत से गाय भैंस लेकर उठा कर लेकर जाओ, मुसलमान को क्यों टारगेट करे तुम? ये टारगेट नहीं करना, ये इलीगल होता, तुम टोटली इलीगल कर रहे, इलीगल एक्टिविटी पुलिस डिपार्टमेंट को हो रहे, हम वो करने नहीं देंगे, हम कुछ भी होने दो कोई बात नहीं, हम लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे, ये पुलिस को सबक सिखाएं हम। जय भीम, जय भारत, जय टीपू सुल्तान।